नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। और दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे एक सीपीयू देख रहे हैं, ये अभी अभी रिपेयर होने के लिए आया है और इसमें बीप साउंड छोड़ रहा है। और दोस्तों, ये बीप साउंड करने के साथ साथ ये नो डिस्प्ले भी है, यही प्रॉब्लम है इसमें। इसमें बीप दे रहा है और साथ में डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है। तो इसका बहुत से कोड है जिसको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा और आज देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, मैं सीपीयू को यहाँ से चालू कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये चालू हो गया। अब इसमें साउंड आ रहा है, अब ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, ये आवाज आ रही है। अब सीपीयू खोलेंगे, उसके बाद इसको हम ठीक करेंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से तो रैम का प्रॉब्लम है इसमें, तो हम उसको आज ठीक करेंगे। तो कैसे ठीक करेंगे इसको, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पीछे का पावर केबल खोल देता हूँ और उसके बाद जो है ये पीछे में एक स्क्रू लगा हुआ है, दो स्क्रू लगा हुआ है, इसे हम खोलेंगे। तो चलिए खोलते हैं। मैंने इसका सीपीयू खोल लिया है। अब इसका जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम ये रैम में है। अब देखते हैं रैम को साफ करके फिर लगाते हैं, बाय द वे ये खराब होगा तो हम इसे चेंज कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिए हुए घंटी को चालू कर दीजिए, जिससे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रिंटर रिपेयरिंग और ट्रबल शूटिंग से संबंधित वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो ये रैम है, तो हम इसको इस तरह से साफ करेंगे अपने नाखूनों से। और ध्यान रखने की ये जो चिपसेट लगा हुआ है वो न उखड़े, नहीं तो फिर आपका जो रैम है बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, कोई काम नहीं आएगा वो। तो देख रहे हैं ये प्रिंट है, इसको अच्छे से साफ करेंगे हम। इस तरह से साफ करेंगे। अगर आप चाहें तो जो रेजर आता है, जो बच्चे स्कूल ले जाते हैं और शीट से कुछ लिख दिए रहते हैं, पेंसिल से जो मिटाते हैं, उससे आप इसे साफ कर सकते हैं, अच्छे से साफ हो जाएगा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहता साफ करने में। तो इस तरह से जो दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर को खुद आप ठीक कर सकते हैं, मार्केट जाने की या सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं स्लॉट है ये, इसमें कचड़ा वचड़ा भी चला जाता है जिसकी वजह से इसमें नहीं आता। तो आप इसको साफ कर लीजिएगा तो जो इसमें डस्ट रहता है वो साफ हो जाएगा और इससे क्या है कि आपकी जो रैम है वो सही से लग जाएगा और जो कचड़ा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इसको मैं फूक मार के साफ कर लेता हूँ या ब्लोअर से साफ कर लेता हूँ। अब मैं ये रिम लगा दे रहा हूँ इसमें। तो चलिए अब लगा के देखते हैं। ये पावर केबल लगा दे रहा हूँ पीछे। पावर केबल लग गया, अब देखते हैं इसमें क्या आवाज आ रहा है। तो ये तो ठीक हो गया दोस्तों। जैसे कि मैं बताया था कि रैम का प्रॉब्लम है, इस टाइप से जब बीप आए तो समझ जाए कि रैम का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी आ गया। और ये हमारा सिस्टम जो है चालू भी हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ और नए जानकारी के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अपने जो भी सलाह या सुझाव है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतने। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।